फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का मज़ा लेते रहिए। कहते हैं ना, कुछ लेटेस्ट खबर आती है तो वो खुद ही वायरल हो जाती है यदि आपका वो पॉपुलर शो है। ऐसे में मैं बात कर रही हूँ गुम है किसी के प्यार में, जो काफ़ी सुर्खियों में छाया हुआ है, जिसकी स्टोरी फैंस को पसंद आ रही है और फैंस काफ़ी हद तक स्टोरी को जो है देख कर कह रहे हैं कि ये स्टोरी ये है मोहब्बतें जैसी है। ऐसे में इशिता भल्ला और नवन भल्ला की केमिस्ट्री फैंस को काफ़ी पसंद आई थी, तो वही बस नाम चेंज है, स्टोरी सेम है, बस किरदार बदल गए हैं। उसी के बीच में फैंस कहीं ना कहीं शक्ति अरोड़ा को याद कर रहे हैं। ऐसे में लास्ट वीक की TRP काफ़ी कम आई थी, तो फैंस ने कहा शक्ति अरोड़ा को ले आओ, शो की TRP बढ़ जाएगी, क्योंकि उनके चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं और उन्होंने फैंस ने गुम है में जो है उन्हें काफ़ी प्यार दिया है। अब देखिए, शक्ति अरोड़ा का आना तो मुश्किल है, लेकिन शक्ति अरोड़ा के रिलेटेड ही, यानी कि आपके गुम है किसी के प्यार की सेकेंड जनरेशन के ईशान की खबर है। ऐसे में शक्ति अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने शो क्यों छोड़ा। ऐसे में खबरें तो यही थी कि शो की स्टोरी बदलने के लिए काफ़ी जो है मेकर्स कलाकारों को बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। कहानी बदलने के वजह से काफ़ी स्टार बाहर हुए। ऐसे में फैंस ने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि शक्ति अरोड़ा को शो का हिस्सा बनाए रखें। अगर आप लगातार हमारी वीडियो देखते हैं तो हमने उसी वक्त बताया था कि सबसे ज़्यादा सैलरी आपके शक्ति अरोड़ा की है। ऐसे में जिनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, कहीं ना कहीं मेकर्स हो या कोई भी कंपनी हो, वो सबसे पहले उन्हीं को ही टारगेट करती है। तो ऐसे में शक्ति अरोड़ा की सैलरी सबसे ज़्यादा थी, इसीलिए उन्हें शो से बाहर किया गया। बाकी स्टारों की सैलरी कम है और जो बाकी और स्टार आए हैं शो में, वो और भी कम सैलरी पर आए हैं। अब बात करते हैं शो के बजट को साथ में लेकर चलना है तो उन्होंने जो है शक्ति अरोड़ा से सैलरी कम की बात की थी, या फिर कहें कि कहा कि आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में जो है शक्ति अरोड़ा का जो मोस्टली जो उन्होंने अपना पैकेज लिया हुआ है वो तो पूरा ही लेंगे, उसमें कम वगैरह का तो कोई मैटर नहीं है। तो इसीलिए शक्ति अरोड़ा ने शो से एग्जिट हुए हैं। अब फैंस को धीरे धीरे कहानी पसंद आ रही है। अब देखते हैं जो TRP इस हफ्ते की आएगी, यानी कि कल आएगी, वही डिसाइड करेगी कि गुम कितना बड़ा सफ़र करेगा। आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए लाइक सब्सक्राइब दोनों बनते हैं।